मॉर्निंग स्टूडेंट, आइए मैं क्लिस्टर त्रिपाठी। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सेल ऑर्गेनेल्स। इन द सेल ऑर्गेनेल्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कसिंग अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, हु वाज डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। बेसिकली न्यूक्लियस इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। न्यूक्लियस क्या है, आप लोग जानते हैं, जब हम लोग डिफरेंसेस करते हैं प्लांट और एनिमल सेल के बीच में, तो सबसे बड़ा डिफरेंस यही आता है कि प्लांट में वेल डेवलप वैक्यूल्स पाए जाते हैं और ह्यूमन बींग्स में क्या पाए जाते हैं, न्यूक्लियस पाए जाते हैं। प्लांट में पुअर डेवलप न्यूक्लियस होता है, वो क्यों, इसके पीछे रीजन क्या है, ये हम लोग इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे। न्यूक्लियस क्या है, बेसिकली जो न्यूक्लियस का डायग्राम होता है न्यूक्लियस का जो डायग्राम होता है ये बाहर की तरफ जो पाया जाता है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर एनवलप। न्यूक्लियर एनवलप ये जो होता है इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर पोर। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। इसके न्यूक्लियस के इनसाइड में जो लिक्विड पार्ट प्रेजेंट होता है उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोप्लास्ट। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लास्ट के अंदर कुछ थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं क्रोमेटीन थ्रेड्स। अब इसके पास डीएनए भी होता है। अब इस क्रोमेटीन थ्रेड्स पे जीन्स या कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट होते रहते हैं। अंडरस्टैंड, बेसिकली जो हमारे मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म में जो बेसिकली ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स हैं, उसमें जो मेन डिफरेंस आता है न्यूक्लियस पे। न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन का बना होता है, बाहर की तरफ न्यूक्लियर एनवलप होता है, न्यूक्लियर पोर्स होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, इसके इनसाइड में लिक्विड पार्ट्स न्यूक्लियोप्लास्ट होता है। इसके साथ साथ यहाँ पे न्यूक्लियोप्लास्ट में क्रोमेटिन थ्रेड्स प्रेजेंट होते हैं जो क्रोमोजोम का फॉर्मेशन करते हैं, और ये क्रोमोजोम हर एक ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स की अगर बात करेंगे तो 23 पेयर क्रोमोजोम्स का फॉर्मेशन होता है, और ये क्रोमोजोम्स करते क्या है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन करेक्टर को रिप्रोड्यूस या आगे बढ़ाते रहते हैं। इज दैट क्लियर, ओके।